66 का प्रीमियम चेक कर आवत रहे लौट गए और आइए मेरे आका मेरे मेरे आका मेरे सरकार
सर पे हो आ पे
सज गए सज गए सज गए सरकलम हो गया इस नाम बचाने के लिए सरकलम हो गया इस नाम बचाने के लिए ऐसे होते ऐसे हो मुझको सदा
चोट खाई है, अगर चेक काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं।
अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। मेरे मौला मेरी छोटी भले खाली रखना, आरजू है मेरे किरदार मिसाली रखना। वक्त तहली की ये बेटी ने मेरी मांगी दुआ, रंग कैसा भी हो ईमान बिलाली रखना। भाई ने बहुत खूबसूरत लगो लहजे में पढ़ा है और आप आपने इस्तकबाल भी किया और इधर तक ही नाम लगना चाहिए था ताकि हमारा दोनों बाजू बराबर रहता। बहरहाल कमेटी के कुछ लोग उधर भी चले जाने लगे, उधर से कभी कभी नारे की आवाज़ आ जाए वरना बड़ा वाला हाल होगा जैसे बारिश से पाक का मौसम मगरिब के अज़ान पूरब की तरफ देता है। पूछा हमारे से पाक ने कि तुम पश्चिम को अज़ान देना चाहिए तो पूरब को क्यों अज़ान देता है, तो उसने कहा हुज़ूर क्या करूँ मगरिब में जितने नमाज़ें आते हैं सब पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ, इसलिए मैं पूरब को घूम करके अज़ान देता हूँ। ऐसा ना हो कोई शायर आए इसलिए गुजारिश है एक दो सारे घर से रोकने चाहिए लगाने वालों को ताकि ये जो आपका बस बराबर है हजरत आइए खतीब हिंदुस्तान राजदारी हसा से बराबर चाहे अपने में खता बराबर हजरत अल्लाह हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इम्तियाज हसा सब बरकत इनका ताल्लुक शहर से बन सके वो मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। हम ये चाहते हैं कि मेरा दाखिल होकर भेंट हुआ आने वाले मेहमान खतीब का इस्तेमाल करें और मोहब्बत के साथ साथ खुशबू को समाप्त करें ताकि जलसा हम क्यों कराते हैं क्यों करते हैं क्यों करना चाहिए इसका सवाल इसके गर्ज़ो फ़ायद क्या है और इससे फ़ायदा क्या मिलता है वो कोई और नहीं बताएगा वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब तबला बरकाती आपके हवाले फरमाएंगे। वो मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है एक नाम मेरे आका हुज़ूर का जो शरिया अलैहि रहमत का नाम का नारा बुलंद हुआ था सैयदी पीर मुर्शिद साहब। मैं एक शेर हुज़ूर ताजू शरिया के हवाले से पढ़ करके हजरत का इस्तकबाल करूँगा आप हजरात मोहब्बत के साथ शामिल होना। वो शेर यूँ था कि किताब इश्क रिसालत का नाम अख्तर है तो सुभान अल्लाह किताब इश्क रिसालत का नाम अख्तर है निसाब दर्स हकीकत का नाम अख्तर है अंधेरी शब से मुसाफिर को ये खबर कर दो अंधेरी शब से मुसाफिर को ये खबर कर दो चराग राह हिदायत का नाम अख्तर है हरीफ दीन को इतना बता दे ऐसा जी उमर की अक्से जलालत का नाम अख्तर है हरीफ दीन को इतना बता दे ऐसा जी उमर की अक्से जलालत का नाम अख्तर है। हमारे दोस्तों मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब वाकमान हजरत अल्लामा व मौलाना इम्तियाज़ अहसन साहब बरकाती से माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात मोहब्बत से नारा लगाए नारे तकबीर नारे रिसालत शहीद मिलादुल नबी मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम नारे तकबीर नारे रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله غوثِ اعظم بمن بے سر و سامان مددِ قبلہِ دین مددِ کعبہِ ایمان مددِ آپ سارے حضرات اس پر آمین ہو رہے ہیں بگردابِ بدا افتاد کشتی مدد دریا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنی تمام ترقیدتوں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سارا مجمع دل لگا کر بارگاہ رسالت والے رسالت راج عقیدت اشکل درود پیش کریں اور جھوم کر بابا سے قدم پڑھی اللہم سن لے رہا آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں آپ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بہت کامیاب ہے بہت خوبصورت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس محفل پاک کو بھی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوئے سارے لوگ میری طرف دیکھتے یہ آپ کا گاؤں مدار ہے ہمارے گاؤں کا نام بھی بڑا پیارا ہے اس گاؤں کا نام بھی ایک ولی سے نسبت رکھتا ہے سرکار شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ جنہیں قطب المدار کہا جاتا ہے اس گاؤں کے نام کی نسبت اللہ تعالیٰ اس نسبت کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے میں آپ کا مہمان ہوں
और आप हजरात जो मैंने सुना जहां तक मैं वाकिफ हूं, मेहमान नवाज है, अपने मेहमानों का ख्याल भी रखते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, अदब भी करते हैं, करते नहीं करते। आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, पैसे खर्च किए हैं, मेहनतें की हैं मुसलसल, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जलसे को कामयाब करें। कलाम सुनाया, वाकई बड़ी संजीदगी से इन्होंने बहुत उमदा कलाम सुना। यकीन करें कि ये कलाम आदमी सुनता है ना, रूह में उतरने लगता है। एक एक मिसरा वो उमदा अंदाज था। उलमा की दुआएं मिली आप सब ने मोहब्बतों से नवाजा, लेकिन अब आप सब मैं इतनी गुजारिश करूंगा, मैं आपका मेहमान हूँ, बहैसियत मेहमान आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जितने लोग पहरेदारी के पीछे खड़े हुए हैं, ये शायद इसलिए खड़े हुए हैं कि कोई निकल न जाए जैसे हम रोक के लिए, लेकिन मामला ये है कि जो रोकने खड़े हुए थे वो खुद ही निकले हुए लग रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ कि दुआ करूँगा अल्लाह से कि जो जाने लगे हैं या रास्ते में खड़े हैं, अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए कि वो वापस लौट के आ जाए। ये बड़ी मुबारक महफिल है। बहरहाल जितने बैठे हैं, बहुत अच्छी तादाद में आप बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतनी सी गुजारिश है, इत्मीनान से बैठे, संजीदगी से, कायदे से सुने, इंशाल्लाह महसूस होंगे, सुनेंगे ना इंशाल्लाह, सारे लोग सुनेंगे। तो सारे लोग अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाएं, बेदारी का भी एहसास दिलाएं, और हुजूर की गुलामी का भी सबूत दें, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। इसी तरह सुनना है, महसूस होता रहे कि जिंदा लोग मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ा फज़ल है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा रासिक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है, और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया सर, उसने कुल कायनात को वजूद अता किया। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया, मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह के मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने, एक इंसान है वो भी अल्लाह के मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने, मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल, और जो उस रब ने इंसान बनाया है तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया, और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बनाया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के कर्म याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक यह है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। परवरदिगार
अल्लाह ताला ने खालिक कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा, परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया, उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलकद करमना आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकामो मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया, और फिर अल्लाह ने शक्ल व शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकामो मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है, कितना जलील करता है, अल्लाह ताला ने कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगारे आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना, क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना, क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, बदारपुर अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए, ये इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए, नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है, तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए, तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए, तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीने जिंदगी है, कुरान तो सलीके जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा।
अल्लाह ने मुझे आपको उसकी उस रब ने कुरान कुरान में बयान परवरदिगार आलम ने फरमाया नज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों का कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमे कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है आज हमारे नौजवान चार चार घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, चार पैसे कमा लिए अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, चार पैसे कमा लिए जरा सी दौलत आ गई हम फिर इंसान ना रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल ना किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला ना हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला यबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल्ला يسمعون بها أولئك كالأنعام। अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो इस नौइयत को पहुंच जाए, हक को कबूल ना करे, हक को तस्लीम ना करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। इंसान ही रहे और अल्लाह रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलकत करमना बनी आदम का ताज उसके सर पर रखा हुआ। और अगर वो भूल जाए, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील रुसवा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए, हक सामने हो तो उस पर अमल भी करना चाहिए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े मालदार आए, अल्लाह ताला ने दौलतें दी, माल दिया, मगर जिन्होंने भी अल्लाह रसूल से बगावत की, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जलीलो रुस्वा कर दिया। और जो अल्लाह और रसूल को, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जो परवरदिगार आलम के वफादार हुए, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, अल्लाह ताला ने
मुश्किलों से उनको बचाया, परेशानियों से उनको बचाया, मुहाफिज अल्लाह उनका बन गया। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा मुहाफिज नहीं जैसी हिफाजत अल्लाह फरमाता है। रास्ते वहां से निकलते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता है, इंसान की समझ से भी परे है। आज हम परेशान होते हैं तब हमें अल्लाह याद आता है, लेकिन जब दुनियावी तौर पर जिंदगी बेहतर होती है, हमें जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, दुनिया हसीन लगने लगती है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया मोमिनों के लिए खूबसूरत नहीं है, ये दुनिया मोमिनों के लिए हसीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो दुनिया है ये मोमिनों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खूबसूरत है। ये दुनिया अगर रंगीन नजर आ रही है तो समझ लेना कि ईमान कमजोर हो गया है। अगर दुनिया खूबसूरत लगने लगी है, समझ लेना ईमान कमजोर होने लगा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान कर दिया, ये दुनिया तुम्हें जितनी रंगीन नजर आती है उतनी रंगीन नहीं है मेरे प्यारे। आका ने फरमाया, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। ऐ लोगों, एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तकियानूस, बड़ा जालिम और जाबिर था। जो भी अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता था, जो अल्लाह पर ईमान रखता था, जो अल्लाह की अहदियत और समदियत का कायल था, जो उस दौर के नबी पर ईमान रखता था, वो उसे पकड़ लिया करता था, उसे कत्ल कर दिया करता था, जेल में डाल दिया करता था, सजाएं दिया करता था। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, चंद नौजवान निकले, कौन थे वो नौजवान? जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के नबी पे ईमान रखते थे। अल्लाह पर ईमान रखने वाले नौजवान, उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा था। खौफ ये था, अगर बादशाह को पता लग गया मार देगा, अगर बादशाह को पता लग गया कत्ल कर देगा, अगर बादशाह को पता लग गया कैद करवा लेगा। रात के अंधेरे में निकलने लगे, रात के सन्नाटे में निकलने लगे। इनकी तादाद 7 या 8 है, ये मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से अलग अलग इनकी तादाद बयान की गई है। मगर याद रखो मेरे अजीजो, अल्लाह ताला के कुरान ने इसकी गवाही दी। सूरह कहफ कुरान के अंदर मौजूद है, असहाबे कहफ का किस्सा कुरान में मौजूद है। ये वो नौजवान थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। आज भी हमारा नौजवान है, नाम के लिए तो अल्लाह पर ईमान है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर ईमान का जायजा लिया जाए, ईमान बड़ा कमजोर है, ईमान में पुख्तगी नहीं है, ईमान में मजबूती नहीं है। आओ नौजवानों, जरा दिल से सुनो, वो भी नौजवान थे, वो कैसे नौजवान थे? रात के सन्नाटे में निकल पड़े, सोचने लगे निकल जाओ यहाँ से, अगर बादशाह को पता लग गया हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक खुदा की इबादत के कायल है, कत्ल करवा देगा, जेल में डलवा देगा। ये नौजवान निकल पड़े रात के सन्नाटे में, एक और इन्हें तौहीद परस्त मिल गया, एक और इन्हें यक्ता परस्त मिल गया। वो कपड़े धोने वाला धोबी था, वो भी इनके साथ में चल पड़ा। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके साथ में एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। ये कहने लगे, कुत्ते को साथ न लेकर जाओ, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना, कुत्ते की आदत है भौंकना, कुत्ता जहां भी होगा भौंकेगा। लिहाजा ये बोलेगा, हम पकड़े जाएंगे, ये भौंकेगा, हम गिरफ्त में आएंगे। ये अगर भौंकने लगा तो हमको पकड़ लेगी पुलिस, हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमको सजाएं दी जाएंगी। उसी वक्त वो कुत्ता अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश करने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ मौला, मैं एक ईमानदार नेक शख्स के साथ में, उस शख्स के साथ में रहता हूँ जिसको जो तुझ पर ईमान रखता है। या अल्लाह, मैं इन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ। परवरदिगार, तू मुझे ज़बान अता फरमा दे। या अल्लाह, कुव्वत-ए-गोयाई अता फरमा दे। इसने
इसने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की है, इसने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है, अल्लाह ने इसे ज़बान अता फरमाई, परवरदिगार ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई। ये कुत्ता बोलने लगा, कुत्ता कहने लगा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं बोलूंगा नहीं भोंकूंगा नहीं। अल्लाहु अकबर, जब कुत्ता बोला उनकी ज़बान में बोला तो समझ में बात आ गई कि अभी अल्लाह की मर्जी से बोला है, लिहाजा मंशाए रब्बी यही है इस कुत्ते को छोड़ा ना जाए, इसको भी साथ में लेकर चलते हैं। ये सारे के सारे नौजवान चल दिए कुत्ते को अपने साथ में लेकर चल दिए। रास्ते में खार के अंदर चले गए, एक पहाड़ की खो में चले गए, खार के अंदर गए, खार के अंदर जाकर ये आराम करने लगे। रात का सन्नाटा था, इन्होंने खार में पनाह ले ली। खार में जाकर ये सारे असहाबे कहफ जितने भी थे सो गए। खुदा की कसम लोगों गौर करो, इधर इन्होंने आंखें बंद की है, इधर ये सोए हैं तो एक दो दिन नहीं सोए, चार पांच दिन नहीं सोए, महीना दो महीना नहीं सोए। फरमाया गया 300 साल तक सोते रहे। इतनी सी जिंदगी भी हमें कितनी बड़ी लगती है कि इतनी तैयारी नहीं करते, मगर वो तो 300 बरस तक सोचते थे। इतनी सी जिंदगी के लिए हम क्या क्या नहीं सोच लेते, क्या क्या इरादे नहीं होते हैं, हमारी तमन्ना नहीं होती है हम अच्छा घर बना लें, एक ऊंची सी इमारत बना लें, गांव में जो भी देखे कहे ये फलां की इमारत है, ये फलां का मकान, गांव में जो भी देखे कहे कि इसके पास जमीन भी बहुत है, इसका बंबई में बड़ा अच्छा काम है, इसने बंबई में अपना घर भी खरीद लिया, क्या हमारी ये तमन्ना नहीं होती है, होती है। याद रखना मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और इस मुख्तसर सी जिंदगी को कायदे से गुजार लो, करीने से गुजार लो, सलीके से गुजार लो। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। हजरत नूह अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर, उनकी बारगाह में एक औरत है, एक सहाबी, हजरत नूह अलैहि सलाम की बारगाह में आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर आप जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत नूह अलैहि सलाम कहने लगी, दुआ फरमा दीजिए, मेरे बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, उम्रें बड़ी मुख्तसर होती है, इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ खातून ज़ईफा ये बता कितनी उम्र में तेरे बच्चों का इंतकाल होता है, कितनी उम्रों में तेरे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। जवाब सुनो, कहने लगी मेरा कोई बेटा 100 साल की उम्र में चला जाता है, किसी बेटे का 200 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है, 50-60 की उम्र पर सिमटने वालों गौर करो, जिसका बेटा 100-200 साल की उम्र में दुनिया से जाए इंतकाल हो। वो औरत कह रही है बच्चों की उम्र कम होती है और फिर ये
भी हिसाब लगा लो, जब बच्चे 100-200 साल की उम्र में इंतकाल करते हैं और माँ उस वक्त तक मौजूद है, जिंदा है, तो उस माँ की उम्र कितनी रही होगी, उस माँ की उम्र कितनी होगी। वो कहने लगी, बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, 100-200 साल की जिंदगी मिलती है, उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है खातून तू अपने बच्चों के लिए दुआ कराने आई है कि तेरे बच्चों की उम्रें तवील हो जाए, तेरे बच्चों की उम्रें अल्लाह बढ़ा दे, मगर मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कहने लगी, हुजूर फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में हो गए कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50-60-70-80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, है पैगंबर खुदा, जब उन लोगों की उम्र इतनी छोटी होगी, जब उनकी उम्र इतनी कलील होगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्र तो कम पाएंगे, मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगे, हुजूर इतनी छोटी सी हो और मकान भी बनाने के सारे काम भी कर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी, है पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए, मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50-60-70 साल की होने वाली है। कहने लगी, मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं उस सारी जिंदगी में, फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है, तुम कब उम्र अगर मगर हम 50-60-70-80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते, 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है, वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया, फलागार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा, सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा, गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे, इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह सत्यानूस कहता था, मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया, मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान
खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम कल भी मुसलमान शाम के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है, कयामत तक कोई मुसलमान को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है अल्लाह ताला से वफादारी का सबूत पेश करना है, अल्लाह रसूल से वफादारी दिखानी है, अल्लाह रसूल के वफादार बन गए जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। अब जरा गौर करो, बात चली है तो कंप्लीट कर देता हूँ, जरा आप लोग भी सुनो और दिल लगा के सुनो, मोहब्बत से कह दो सुभान दीवार चुकी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, ये अंदर सोते रहेंगे, 300 साल का जमाना गुजर गया, दत्यानुस खत्म हो गया, उसके बाद में कितने बादशाह आए वो भी खत्म हो गए। 300 साल के बाद में एक बादशाह फिर आया, नेक था आदिल था, लोगों को समझाता था, मगर उस जमाने के अंदर लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, वो कहते थे जो भी है दुनिया है यही कर लो जो करना है, मरना वरना मरने के बाद में उठने उठने का कोई चक्कर नहीं। आज भी लोग यही समझ रहे हैं, अगर आखिरत का डर होता तो बंदा इतना निडर नहीं होता। आज भी हालात यही हो गए मेरे अजीजों, आखिरत का खौफ दिलों से निकल गया, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया, आज हमने सोच लिया यही जिंदगी है जो कुछ है, इसीलिए तो कह दिया करते हैं जिंदगी 4 दिन की है गुजार लो, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना औकात नहीं इंसान की के देख सके, यहाँ दुनिया में भी आपने देखा होगा बारिश अगर ज्यादा होने लगे नदियों में उफान आता है, बस्तियों में आबादियों में सैलाब आ जाते हैं, जब ये तबाही के मंजर होते हैं तो दुनिया इनको देख नहीं पाती है, ये भी ये छोटा सा मामला होता है, बारिश की ज्यादती इंसान से देखी नहीं जाती, तबाही ही तबाही नजर आती है, वो इंसान के सर्दी ज्यादा हो जाए सिमट गया सुकड़ गया फिटर गया, सर्दी नहीं देखी जा रही, कम्बल भी है ऊपर से लिहाज भी है पूरा पैक हो गया है, सर्दी नहीं देखी जा रही, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती, इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है, इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत ये है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके, फिर तेरी औकात ही क्या है, जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अज़ाब कैसे देख सकता है। अरे अल्लाह ताला ने परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है, अल्लाह जानता है उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत जरूर आएगी, और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझ कर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा, मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो
एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है गोश्त भी हड्डियां भी खून भी सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है। वो परवरदिगार वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ जितना जोर लगाना है लगा लो। सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो अल्लाह ने फरमा दिया या माशाल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़्तारि समाति वल अर्ध फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी ज़कंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते हैं कि एक शख्स उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में कबा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे, कैसे जला सकते बाप और आखिर हमारे? कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान में शर्मे परवरदिगारे आलम इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाए। उसकी सारी राख के जर्रात जमा हो गए, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जरा ये बता ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था? वो कहने लगा अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था, ऐ परवरदिगार मैं डरता था, कल मैदान में शर्म तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूँ, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा, जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नाम अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा? परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे बंदे बता क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूँ, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूँ। परवरदिगार फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया।
حضرت غلام مجسم صاحب تشریف لے آئے ہیں. میری گفتگو کے بعد میں فوراً آپ ان کو سماعت کریں گے. میری گفتگو بہت جلدی سے آپ سن لیجئے تاکہ پھر آپ کے محبوب شاعر آپ کے سامنے ہو. آخری باتیں میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں, ذرا محبت سے سارے لوگ سنیں اور پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو بندے کے دل میں رکھنا خوف ہونا چاہیے, نڈر نہیں ہونا چاہیے. کر میدان میں محشر میں رب کو منہ دکھا رہا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, نہ اتراؤ اس پر, گھمنڈ نہ کرو. 300 سال تک تو غار کے اندر سوتے رہے, پھر ایک بار ایک بادشاہ آیا, بڑا عادل بڑا نیک, مگر اس کی قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کہتے تھے مرنے کے بعد میں کیسے زندہ ہوں گے, کہتے تھے جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے, اس کے بعد میں کچھ نہیں ہے, مر گئے تو کام ختم. کہتے تھے ادھر ہی جو کرنا ہے کر لو, یہی زندگی ہے, یہی اسی زندگی کی بہاریں ہیں. لیکن سنو سنو میرے عزیزوں, یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار میں اپنی اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا, اے مولا یہ سمجھ نہیں پا رہے. یا اللہ میں انہیں بتاتے بتاتے تھک گیا لیکن مولا یہ سمجھنے کو تیار نہیں. یا اللہ تو ہی اب کرم فرما دے, کوئی ایسا طریقہ نکال دے, کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ یہ سارے کے سارے سمجھ جائیں. ادھر اس نے دعا کی ہے, اے لوگوں باب اجابت کو ٹکرا گئے اس کے دعا یا الفاظ, اللہ نے قبول فرما لی دعا, پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا. وہ جو 300 سال تک سوتے رہے, اللہ اکبر کبیرہ, 300 سال تک سونے کے بعد میں اچانک وہ اٹھ گئے, بیدار ہو گئے. جب وہ سارے بیدار ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو سوال کرنے لگے, ہم کب سے سو رہے ہیں, کتنا سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شاید ہم آدھا دن سوئے ہوں گے. لیکن اپنی حالت کو دیکھا, بال بڑھ گئے تھے, ناخون بڑھ گئے تھے. اے لوگ سوتے سوتے زندگی تھی, بال بڑھ گئے, ناخون بڑھ گئے, مگر سنو سنو 300 سال تک سوئے. اب اللہ کے کرم کو یہاں پر بھی محسوس کر لو. ہر رات بندہ سوتا ہے, صبح کو اٹھ جاتا ہے, کبھی دن میں بھی سوتا ہے, بیدار ہو جاتا ہے. فرمایا گیا یہ جو نیند ہے یہ سب سے ہلکی موت ہے. یہ بندہ روز جو سوتا ہے, روز موت آتی ہے, ہلکی موت آتی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ بندہ سمجھ لے وہ پروردگار کتنا کرم کر رہا ہے. ہر رات بستر پہ جا کر بندہ سو گیا یعنی مر گیا, ہلکی موت چلے, ہلکی موت کے آغوش میں چلا گیا. اے لوگوں, ادھر بندہ بستر پہ سویا, اس کو ادھر نیند آئی, اس کے نیند آئی, یہ بھی ایک موت ہے. اللہ کا کرم تو دیکھو, ہم اور آپ ہر رات سوتے ہیں, ہر صبح اللہ نئی زندگی عطا فرماتا ہے. ہر صبح کا نئی زندگی عطا کرتا, ہر صبح نئی زندگی, یہ اس کا کرم ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. ہر رات بندہ مرتا ہے, ہر صبح زندہ ہوتا ہے. یہ تیری میری زندگی ہے, اسی لیے فرمایا رات کو جب سویا کرو, توبہ کر کے سویا کرو, آنکھوں سے اللہ کے خوف کے سبب دو آنسو نکال کر, نادم ہو کر گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کرو. نہ معلوم کون سی رات ایسی آئے کہ سو جائے تو صبح کو اٹھ بھی نہ پائے.
बाद में सुबह देखना नसीब ना हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो पश्चिम से निकल गया हो, मतलब दो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी, ना मालूम कब हो जाए वो दिन, ना मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को बुला लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले, और आप रात वापस से तशरीफ रखें। अब आज रात को किसी और का इंतजार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो ही जाए। अब आप लोग तशरीफ ले गए, तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा में कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज रब को राजी कर लो, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अकल दिया, दिमाग दिया है, आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूँ। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूँ। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए, बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए, लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना, इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा, उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है, इन्हें मालूम भी नहीं था इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है, जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए, एक बंदे को भेजा, छुपे छुपाते गया बाजार में, गया खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है, क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, यहाँ तो 300 साल का मामला था, डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है, बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के मोदे वो निकाल, वो दे इस वक्त के, दे ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो है अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार, दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई तबाह हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यही पे ठहर जा, इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी, वो आए पकड़ कर ले गए, बादशाह
बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया, बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता और कितना है। फिर इसने सच्चाई बताई, कहने लगा हम तो सोए हुए थे, बार के अंदर थे, बार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूँ। बादशाह ने कहा कब से सोए, तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का कर्म हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए, गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद है। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई, जब ये हाल देखा बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अकल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे चक्रवर्तीगार 300 साल तक सुनाकर तुम्हारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, ना कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, ना कोई कीड़ा, ना कोई सांप, ना कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरे गए, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर बनो जवान वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अकले हैरान हो जाएगी। इधर ये बादशाह सारी कौम में सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। इधर इन लोगों को दोबारा नहीं मिलने, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा तो बादशाह ने कहा कि ये सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उस गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आया, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल दिए, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रखे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाला, लकड़ी के ताबूत में रख दिया। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रूए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे, अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो। तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल न होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो जानवरों की तरह है। और यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अनआम बल हुम अमल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया अल्लाह के कुरान
हकीकत का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले, वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अकल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में है, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है, तो जरूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मरतबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का पानी मुबानी ला यमू तो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद नजरों से अव्वल ता अबद, इश्क यल्याई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस्त, इश्क आतम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूद और बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके ताला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुकाते हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़िया, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़िया, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़िया, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलवा पढ़ा, इश्क तनहा करबला में सो यजीदों से लड़ा, क्या है इश्क दो मिस्रों में समझ लो, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलवा पढ़ा, इश्क तनहा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, بہترین بنایا ہے, اس سے زیادہ بہترین بننے کی کوشش ہے, پھر بدترین بننے پہ لگ جاؤ۔ اللہ نے جتنا بہترین بنا دیا نا, اب اس کے آگے کوئی دنیا کا حجام ہو, کوئی دنیا کا نائی ہو, کوئی دنیا کی کریم ہو, کوئی دنیا کا فیشیل ہو, کچھ بھی ہو, کوئی ایسا حسین دوبارہ بولو بھیا بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ جو نائی کی دکان پر نمبر لگتا ہے نا اور شیشہ دیکھ جو اپنے چہرے میں اپنے آپ کے سامنے بھونکتے ہو, خاص طور پہ مرنا جب آنا نمبر لگاؤ دوسرے کی کٹنگ ہو رہی ہے اس طرح کی بیٹھا نا کہتا بیٹھ جو بھی نمبر لگا تو اب کیا کرتا ہے آپ کا چہرہ کتنا دیکھنے لگتا ہے آئینے میں آئینہ تو کچھ کچھ نہیں بولتا اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے میں پمپلس ہونے لگا تو اس سے کہہ رہے ہیں نائی سے کہ بھائی چہرے پہ داغ دھبے ہو رہے ہیں اس میں تو وہ بڑے بڑے آئینے لگائے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کا کام بہتر چلے تم اپنی خرابیاں تلاش کرو وہ اپنا کام چلتا انہوں نے کہا بھائی نور مجسم بھائی کا چہرہ کسی فیشیل کی ضرورت نہیں ہمارے
सैफ भाई का चेहरा किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा तुम जो है ना काम और ब्लीच करा दो, ना कर दो, 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 तो 1000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो ना कोई साबुन है ना कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहो। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क़े रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इसके रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको नेक बनाए, बाअमल बनाए, और परवरदिगार सही मामलों में इंसान और इंसान बनकर इंसानियत की कदरें, इंसानियत के हुकूक का पास लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के बारे में दुआ है जो मैंने गुफ्तगू की, अल्लाह उसे कबूल फरमाए, मैंने सुनने से ज़्यादा मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन कुल्ली ज़म्बी वा अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लगो लहजे में तकरीबन एक घंटे की गुफ्तगु आपने हज़रत अल्लामा और मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब को बरकाती संभल से शुमार फरमाई है। और जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आकर के बैठ जाए। ऑपरेटर साहब कुछ ना करिए, इधर उधर उंगली ना दीजिए, जैसे चले चल रहा है चलने दीजिए। हाँ नहीं और गड़बड़ हो जाए इसमें जान रहा हूँ, जब तक चले चराग मुसलसल हवा चले, कितना हदम चराग में तो पता चले। ठीक है आप लोग आ गए हैं और कुछ लोग तो सो गए होंगे, मैं उनको बेदार करना चाहूँ तो बेदार कर सकता हूँ। वो भाई साहब जो लोग सो रहे हैं तो उठा दिए, सोए नहीं है सब, सब मत करो, यहाँ आए हो तो मोहब्बत से बैठो, अदब के साथ बैठो। ठीक है भाई, इधर उधर की बातें करना नहीं। आप जिसको इंतज़ार, जिसके इंतज़ार में आपने इतना ये आधी रात का वक्त बिता दिया है, वो दो दो शख्सियतें मिलकर पर भाई, एक तरफ भाई मोहतरम सैफरदा साहब वाहिदी कारपुरी और एक तरफ शहर हिंदुस्तान मोहतरम खारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला इलाहाबादी शर्मा नावी को मेरे रोड पर तशरीफ फरमा। मेरे रसूल साहब सादिक नहीं अमीन नहीं,
आप वो भूल गए जो मैंने बहुत पहले बताया था। हाँ फिर से बोलो, सब मिल के बोलो, जितने आए हो सब बोलो, हाथों को उठाओ बोलो या रसूल अल्लाह। ये जिसमें बैठे हैं आप लोग इसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं जिसमें बैठे हैं आप? अरे कुछ भी बोलते हो आप समझे। हाँ उसमें बैठे हुए नीचे से आपको जो है हीटिंग महसूस हो रही होगी गर्मी, जब गर्मी लग रही है तो आप गर्मी के साथ बोलिए ना या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया कि आप सुनना चाहते हैं। मेरे दोनों भाई तशरीफ फरमा, एक तरफ का मोहतरम भाई अमीर हमजा साहब किबला, बस एक शेर पढ़ के मैं कुछ मिस्रों के लिए मोहतरम भाई कारी हसन रजा साहब किबला सुल्तानपुरी आपके हवाले होंगे कि मेरे रसूल साहब सादिक नहीं अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अकवाल अगर यकीन नहीं। ये साहब सो रहे क्या? बोले गर्दन में दर्द आ रहा है। कहाँ तो ले गए थे आप? माशा समेट के पैर बैठिए, समेट समेट के पैर समेट के बैठिए ताकि नींद ना आए। मेरे रसूल सा सादिक नहीं अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अकवाल गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमिना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमिना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान की बात हजरत ने किया है और फिर उसके बाद आपको भी बताया कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान आप लोग हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छाई का सबूत पेश कर दें, है ना। हमारे कारी शाही साहब भी तशरीफ फरमा है और हमारे मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा से शायद चले गए, और इंशाल्लाह जितने लोग मेंबर पर हैं, अगर हमारे मेंबर पर बैठे हुए अहबाब अगर पीछे से पुष्ट पनाही करें तो सोने पर सुहागा होगा, और नहीं करते हैं तो फिर भी हमने तो अपना काम करना ही है और आपको अपना काम करना है। वो आ गए यहाँ, यही उनका कर्म वाला एक कर्म है, समझ रहे आप। ये कुल खुदाई के ना खुदा की कहाँ पे जलवा गली नहीं है, ये कुल खुदाई के ना खुदा की कहाँ पे जलवा गली नहीं है। उन्हीं की आमद की बरकतें हैं जहाँ पे जो तीरगी नहीं है, उन्हीं की आमद की बरकतें हैं जहाँ पे जो तीरगी नहीं है। और एक शेर भाई, तमाम फिरकों का सर्वे कर लो, कमी कहीं ना कहीं मिलेगी। तमाम फिरकों का सर्वे कर लो, कमी कहीं ना कहीं मिलेगी। रजा के मसलक का जो है कायल, कहीं भी उसमें कमी नहीं है। कहीं भी उसमें कमी नहीं है। उलूम अहमद रजा का वारिस फकत है अख्तर रजा हमारा, उलूम अहमद रजा का वारिस फकत है अख्तर रजा हमारा। कि दौरे हाजिर में ऐसी अजमत किसी को साजिद मिली नहीं है, कि दौरे हाजिर में ऐसी अजमत किसी को साजिद मिली नहीं है। हालात जो मुझे हुक्म मिला है वो उस हुक्म की तामील करते हुए सुल्तानपुर शहर अदब से ताल्लुक है मोहतरम भाई कारी हसन रजा साहब किबला का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात जब आए तो आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोले। यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं, मैं वही वाला हाल बना, मैं इधर ही मुखातब हूँ, इधर नहीं घूमता हूँ। आप हजरात भी मिल के बार नारे लगा करके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सनाए जुल्फे शहे कायनात लिखनी है, जो दिल में है वही कागज पे बात लिखनी है। ऐ मेरी जिंदगी मुझसे अभी वफा करना, मदीने जाके मुझे एक नात लिखनी है। इस्लामी उससे पहले पूरा रहमत जी मिला कर रहे हैं कि बार बार आप सब रहते हैं शीख पर मेल्ला और मसल ले मोहम्मद वाले मसल सल्लु अल्लाह सलाम अल्लाह सलाम अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अपने नाते ताकत ना बुला इस बात को क्या हवाले करके मुलायदा कर ले आता है हमारा मौला है हमारा पूरा पत्र पलाना वहां से बोल सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे इंसान दरख्तों को चला दे उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े सूरज को डूबे हो ये सूरज को जो लौटाए दोबारा आता है गमारा मौला है गमारा आता है गमारा मौला है गमारा कहते हैं जिन्हे अपना बीबी का दुलारा आता है गमारा कोई बात नहीं है मोहब्बतें हैं मेरे साथ और आप रात की भी मोहब्बतें हैं काफ़ी इस्तकबाल किया हमारे उलमा का हमारे शोरा का और कुछ लोग अभी भी टहल रहे हैं उलमा कसम भाई से भाई शेर है कि उसे बड़ी बड़ी मंजिल में दिल नहीं लगता भंवर को छोड़िए साहिल पे दिल नहीं लगता वो खानकाह में 40 दिन करे चिल्ला जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता वो खानकाह में 40 दिन करे चिल्ला जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता मजबूरी है इन लोगों की भी माशाल्लाह कुछ लोग देखने आए हैं कुछ लोग सुनने आए हैं जो देखने आए हैं वो माशाल्लाह कह के गुजर चुके हैं और जो सुनने आए हैं वो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहने के लिए बैठे हुए हैं
समझ रहे आप रात बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, क्या बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी तक आपकी तकरीर बंद नहीं हो रही थी, हजरत की तकरीर हो रही थी, अब आप शुरू नहीं हो रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, हाँ माशाल्लाह। मैं इनसे थोड़ा इन्हीं से बात करूंगा, इधर बहुत हो गया है। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, सुभान अल्लाह। भाई कह रहे हैं नूर मुस्तफा भाई के फिर से पढ़ दे आप लोग, माशाल्लाह। हाजी साहब, हाँ आलम साहब, अल्लाह दुआ करें भाई हाजी साहब के बच्चे के लिए, अल्लाह सेहत अता फरमाए इनको, और हाँ इंशाल्लाह अल्लाह सेहत अता फरमाए और उसे सलामत रखे, और आप जैसे लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए सराफानों की फहरिस्त में। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर शेर फहम होते आप तो सुभान अल्लाह भी कहते, माशाल्लाह भी कहते, लेकिन मक्ता इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि आपकी शेर फहमी का सबूत है। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। अफसोस तेरे शेर को समझे नहीं साजिद, ये लोग यहाँ सिर्फ लहर देख रहे हैं। एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ, ये लोग यहाँ सिर्फ लहर देख रहे हैं, एकदम सच्चाई वाली बात है, हकीकत है। चलिए भाई यार माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, कुछ भी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, हाँ माशाल्लाह कुछ भी देख रहे हैं, देख रहे हैं आप। इनका हजरत मुफ्ती साहब कल्ला से आपने सुना कि इनके चेहरों को देख रहे हैं आप, इन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तसन्नो से बेनियाज हैं माशाल्लाह। समझ आप क्यों, इसलिए कि नाते रसूल पढ़ते हैं, इसलिए इनका चेहरा चमकता है। आप भी शायर और नातना बन जाए तो चेहरा चमक जाए, शायर न बने कोई बात नहीं है लेकिन नातना जरूर बन जाए। शायर तो मीर गालिब भी रहे हैं, शायर तो जफर ज़ौक भी रहे हैं, ये तमाम शायर रहे हैं, लेकिन सनाखाने रसूल कौन रहा है, आला हजरत रहे हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद रहे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद रहे हैं, ये सनाखाने रसूल हैं। समझ रहे आप, जो शायर ना बन करके नाथखाने रसूल बन जाए, समझ रहे आप, सारे आलम पे सरवरी करते, काश तैबा में नौकरी करते, सैफाई सारे आलम पे सरवरी करते, काश तैबा में नौकरी करते, मीर तो गजल के शायर थे, काश नातों की शायरी करते, मीर तुम तो गजल के शायर थे, काश नातों की शायरी करते, जाके साजिद नबी की चौखट पर, जाके साजिद नबी की चौखट पर जिंदगी अपनी आखिरी करते, जाके साजिद नबी की चौखट पर जिंदगी अपनी आखिरी करते। बहुत देर अगर मैं यहाँ माइक पर रह गया ना भाई तो जिंदगी यहीं आखिरी हो जाएगी, तो मेरी मुराद भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक आपके पास नहीं टिक सकता। इसलिए दोनों कंडीशन, एक माइक की, दूसरी कंडीशन ये है कि अब जब शायर आ जाए तो वायर यहाँ से खसक जाना चाहिए, समझ रहे हो। आइए बेहतरीन अंदाज में हमारी जमात का कोई ऐसा आदमी हो जो उठ करके नारा लगाए, जो भी नारा लगा रहे थे वो दोनों शख्सियतें मेंबर पर बैठी हैं। अब आप खुद बता सकते हैं मैं किस शायर का इंतखाब करूं जिसको आपके सामने पेश करूं। मेरी मुराद मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब, आपकी क्या है, तो जरा मिलके कह दो सुभान अल्लाह। रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल उसके जबर जेर से घबराते हैं, रौनक शहर मदीना
दूर की बात, कुफर के साए तो अजमेर से घबराते हैं। आइए हाथों को उठा करके शायरी मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरमाशिद शाह हुदा मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब के लिए इलाहाबादी का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहरे तैबा के मक्की से राब्ता करते रहो, मुस्तफा सल्ले अला का तस्करा करते रहो, शहरे तैबा के मक्की से राब्ता करते रहो। काश काश गौसे पाक कर ले अपने कुत्तों में शुमार, हत्म साजिद के फकत कितनी दुआ करते रहो। आपसे ज्यादा इस वजह से भी कि मेरे शरीफ पर जो मुअज्जज़ और मोहतरम शख्सियत में बैठी है बड़ी कद्दावर और तो ऐसे लोग बैठे हैं तो एक बार और अपने आँखों पर जरा दिल के साथ आवाज़ बुलंद करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों के मिसरों से आगाज करता हूँ और सुनिएगा। माइक ऑपरेटर सही करो भाई। बलबल ओला
कशफत जाबी जमाली हसन जमी खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि दुरूद पढ़ना है हुजूर पर कंजूस नहीं करें ऊंची आवाज में मिलके सल्लु अलैहि व आलिहि सब जितने बैठे हैं ना सब रूप पढ़े ताकि सबके मुकद्दर बेदाद हो जाए मोहब्बत के साथ सरताब कदम है अक्ल सुल्तान ज़मन फूल शेर होंगे नजर तो दुनिया हैरान रह जाए सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल इमाम फिर अकीदा पेश करते हैं। अच्छा उससे पहले एक बात बता दें उर्दू अदब में एक नाम है जो बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब के लिए सनद है उनका नाम है मीर तकी मीर का शेर उनका यह है नाजुकी उनके लब की क्या कहें पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर को उर्दू अदब ने पहला मकाम हासिल है कि ये पहले नंबर पे शेर उर्दू अदब में आता है। आप इस शेर को रखिए और फिर इमाम की बारगाह में आइए। पहले तो एक शेर ये सुन लीजिए जो आप लोगों को याद होगा पत्नी पत्नी गुने कुछ की पत्तियां लबों की नजाकत लाखों सलाम क्या पंखड़ी एक गुलाब की सी है सिर्फ फोटो की बात करें आला लोग क्या कहते हैं लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल फिर अकीदा पेश करते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक है हबीब तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता तुम चाहो तो हो जाए अभी को बैठ गए वो नहीं चाहते कि अगला जलसा उनका मुतासर हो जाए तो बहरा मैं पढ़ूंगा
दिल लगा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोग सुनेंगे सुनेंगे ना, कितने लोग सुनेंगे, तो एक गुजारिश हो थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगे कि बच्चे आगे आ जाएंगे, मुझे थोड़ी सी तबीयत मिल जाएंगे। आप आगे आगे तक के बढ़ते आवाज बढ़ा दीजिए जितनी बढ़ा सकते हैं, हल्का सा डिले बढ़ाइए डिले। हेलो एक बार और तो लिखिए दिल में रहते हैं इनायत इस को आवाज खुशी करें कोई आपको ना देखे दिक्कत है, जो लोग बैठे हैं आपको देखे या ना देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जिनके लिए आप बैठे हैं वो आपको देख भी रहे हैं सुन रहे हैं, ऊंची आवाज में पढ़े वो मेरे दिल में रहते हैं इनायत इस को कहते हैं वो मेरे दिल में रहते हैं इनायत इस को कहते हैं कभी Allah! Allah! Allah!
तमीज बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के अंदर। अदब जो होता है ना, अदब ये खून का हिस्सा होता है, जिसके पास अदब नहीं वो इंसान जानवर है, आप यकीन करें। तो हुजूर की नाज़ शान है, इसका ख्याल रहे खास, और किसी की ऐसी बात करो नहीं, इसका भी खास ख्याल रहे। मोहब्बत के साथ वो मेरे कहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत सपना था हो जाए। आज की रात है और आप सामने बैठे हैं और हुजूर का जिक्र होगा, क्या अच्छी बात है ना। जरा खुल के वो मेरे कहते हैं, एक शेर आपके यहाँ पढ़ के जाऊंगा, सनद हो जाएगा ये शेर, सुनिए। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं, कयामत तक किसी का यार हो नहीं सकता। रात के इस हिस्से में ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक बच्चा 8 साल का है उसे कम से कम 14 घंटों की नींद जरूरी है। सलाम पेश करता हूँ 5 साल 6 साल 7 साल के ये बच्चे रात के इस हिस्से में बैठे हैं, कम से कम साजिद भाई बैठे हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ, अगर हुजूर की महफिल में ये बच्चे इसी तरह आते रहे, पूरी दुनिया की बदतमीजें मिल के भी ये बहका नहीं सकते, है कि नहीं। जरा ऊंची आवाज में ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, वो मेरे Yeah.
आपके घर तशरीफ लाए, मेरे घर भी हो जाए चरागा। अल्लाह क्यों नहीं कहते उसी आवाज में कहो शरीयत इसको कहते हैं।
अगर आपको लगे कि इस रात में ये बहुत बड़ा शेर है तो खामोशी के साथ बैठिएगा, नहीं सुन के बताइएगा। मेरे अल्लाह कबूल करे कि मेरे सरकार देते हैं सहारा, कौन देता है मेरे सरकार की रहमत खदीजा, बात से पूछो जमाने सुनिएगा और थोड़ा सा ईमान मजबूत कीजिएगा।
क्या बात सुनने वालों का सुनिए आता गए फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा और खुद मगते का भला वो क्या बात है खुद भीगते और खुद कहे मगते का भला वो तो हम क्यों ना कहे मगता तो मैं मंगता कोई शाम दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो खुशी आवाज में कहो मेरे सरकार देते हैं कौन देता है मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता निकाले जब निकाले
अल्लाह कबूल करे। अब आप लोग पढ़ के बताओ, मेरे सरकार कौन देता गे। शेर सुनो, उसे सुना गे सुना है भाई पर भाई लुटा देता है अपनी जान। सुना है भाई पर भाई लुटा देता है अपनी जान। सुना है भाई पर भाई लुटा देता है अपनी जान। मगर अब्बास के जैसा मेरे सरकार देते गए कौन देता गए। मेरे सरकार देते गए सहारा कौन देता है। सुना गए भाई पर भाई लुटा देता गए अपनी जान। मगर अब्बास के जैसा मेरे सरकार देते हैं सहारा सहारा कौन देता है। Yeah.
कोई घर वाले भी शामिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद उन नबी, फैजाने हुजूर ताज शरिया। खुसूसी तौर पर हजरत बैठे, मेरे सरकार देते हैं सहारा, कौन देता है। रोज रोज ऐसा मुजाहिद बाखुदा मिला नहीं, नवासा किए सब को होता है बने जो फख्र असगर, ये सलीका कान देता है मेरे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों ने जो नारा लगाया है। यही नारा हमेशा आपको रखना चाहिए, समझ रहे आप, बहुत खूबसूरत नारा है। और आप रात उसको जरा ध्यान से फिर से एक बार आप लगाएंगे, नारा भी नहीं, जब नूर मुजस्सम भाई को अच्छा शेर, कोई भी मिसरा, सब तो अच्छे शेर हैं, मैं क्या बताऊँ, एक एक लफ्ज का इंतखाब जो इन्होंने किया है उसका जवाब मेरे सरकार देते हैं। मेरे सरकार देते हैं सहारा, कौन देता है। ज़ुबैदा चलती से कौम तुझको खुल्द में एक घर, सिवाय हजरत बहलोल दाना कौन देता है। मेरे सरकार Thank you.
पर आपकी मर्जी से अब आप लोगों की जो फरमाइश है उस पे आता हूँ। सुनिए, आता हो बे फरियाद में ऐ गुंबद खजरा वाले काबा वालों को सताते हैं कलीसा वाले, काबा वालों को सताते हैं कलीसा वाले। शेर आ रहा है, शेर सुनिएगा और बताइएगा। सहारा या रसूल अल्लाह, फिलिस्तीनों इराक शाम में फिर ज़ुल्म बरपा, हाथ उठा के फिलिस्तीनों इराक शाम में फिर ज़ुल्म बरपा है, कर्म के
लेकिन आपको घबराना नहीं है, एक शेर पढ़ रहा हूँ सच्चे हुसैनियों के लिए, जरा बोलेंगे वो हुसैनी। सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, पढ़ता हूँ अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है आपका होगा। मैं कहता हूँ मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और पुकार सहारा या रसूल अल्लाह, अब शेर आ रहा है, बता दो आप इस्लाम को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सहारा या रसूल अल्लाह, चमन सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या
मेरे पास लेकिन हमारे आका फरमाश की एक पत्ता एक शेर पढ़ो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के एक बार दहरा के कहे या अली और उठा के कहे या अली सुनिए आप और मौला कह रहा जमाने के हर एक वली ने कहा जमाने के हर एक वली ने कहा मुझे तो अली चाहिए जमाने के हर एक वली ने कहा मुझे तो है जमाने के मुश्किल खुशा मुझे तो अली चाहिए अली का है ईमान बचपन से कामिल वो मेरा अली पर जतन में शामिल अली का है ईमान बचपन से कामिल वो मेरा अली पर जतन में शामिल मिलेगा मिलेगा जहां से नबी का आपसे जाना चाहता हूँ एक बार मेरे साथ मिलके मुझे तो
जल्द होगी। अपना ख्याल रखें, सैफ भाई आ गए, अच्छे से सुनिएगा और बैठे रहिएगा, कोई उठ के मत जाइए। मेहमानों को सुनने का जो है वो आप बताइएगा। भाई माशाल्लाह, बस 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 हमने चला है भाई 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 साहब, वॉल्यूम कम करें थोड़ा सा, मेरा वॉल्यूम कम हो गया है आप लोगों से। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अगर ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही नारे लगाते रहे तो जाहिर से बात है लोग कांप उठेंगे, लेकिन बस शर्त यही है कि आप मोहब्बत से शामिल करें। हमारे भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े हैं, दुआ का वो शेर भी उन्होंने पढ़ा कि तुझसे फरियाद है गुंबदे खुदरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। गुलाम नूर मुजस्सम भाई इसका मतलब ही शायद जो है हिफाजत करना, बस यही कहते हैं सब मस्जिद अक्सा वाले, मेरे मौला तुम मुहाफिज है हिफाजत करना, बस यही कहते हैं सब मस्जिद अक्सा वाले। अच्छा इसमें कई शेर मैंने कहे लेकिन सब मुंतवी कर देता हूँ, और मतलब किसी और कथा अच्छा लगा तो कहने लगे इसके। बहरहाल अगर मैं इसको ये कहता हूँ मतलब भी मेरा है तो आप लोग कहेंगे ये सरटे वाली शायरी, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया है। और गुलाम नूर मुजस्सम साहब सुल्ला ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, लेकिन एक शायर है जो अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर से नहीं बल्कि वो बाप डोगरा कई हजार किलोमीटर का सफर करके आपके दरमियान आया, तकरीबन दो एयरपोर्ट को उसने टच किया है तब आपके यहाँ आया, तीसरा एयरपोर्ट यहाँ ला करके उसको छोड़ा, समझ गया सैफ रजा कानपुरी नाम होगा, समझ गया आप। तो मेरी गुजारिश है आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत अच्छा आपने सुना और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुनेंगे, और अकीदत और मोहब्बत के साथ आप बैठे रहे, इसलिए कि मिटा दो जिंदगी से अब मुसीबत या रसूल अल्लाह, अता हो मुझको भी शर्फे जियारत या रसूल अल्लाह, मिटा दो जिंदगी से अब मुसीबत या रसूल अल्लाह, अता हो मुझको भी शर्फे जियारत या रसूल अल्लाह, वो रूए मुसहफे अनवर सहाबा जिसको पढ़ते थे, वो रूए मुसहफे अनवर सहाबा जिसको पढ़ते थे, मुझे भी हो अता उसकी तिलावत या रसूल अल्लाह, मुझे भी हो अता उसकी तिलावत या रसूल अल्लाह, लिखे ये नात आकर रौजे अनवर के साये में, मिले साजिद को भी ऐसे इजाजत या रसूल अल्लाह, मिले साजिद को भी ऐसे इजाजत या रसूल अल्लाह। मैं तो इन लोगों के नक्शे कदम पर सुन सुन करके उसी पर गिरा रहता हूं, उन्हीं के पीछे चलता रहता हूं, हो सकता है कभी कोई मिसरा कबूल हो जाए, हकीकत यही है पूरा ईमान लिख डालिए, एक मिसरा कबूल हो गया तो समझ लो जिंदगी समझ जाती है, जिंदगी समझ जाती है। मैं आप क्या बोले बहुत ही आप ही लोगों ने तो दिया है, और ये सब पैसा इकट्ठा करके लोग मदीना जाते हैं रमजान शरीफ में, कहीं नहीं पाएंगे जमात इंशाल्लाह रमजान में मदीना जाती है, हुजूर के दरबार में पहुंच करके नाथ पढ़ते हैं, जो यहाँ तमन्नाएं होती हैं वहाँ जाकर के आंसुओं के हवाले से पेश कर देते हैं। अब आप हालात को सुनना है मोहतरम सैफ रजा साहब को, और मैं एक ऐलान हमारे मुफ्ती साहब की बात तशरीफ फरमाना, 30 नवंबर को एक जलसा है, 30 नवंबर को होना कहाँ है, ये इस जलसे का नाम है जश्न मौसूल बरा रज़ियल्लाहु तआला, ये संग बुनियाद का जलसा है, होना कहाँ है जामिया कादरिया फैजानुल कुरान मौजा बहाउद्दीनपुर ठीक है फूलपुर आजमगढ़, ये जगह है, बाकी होगा कब 30 नवंबर को होना है, हजरत के हाथ से मुफ्ती साहब क़िबला इहतिशाम आलम साहब क़िबला कादरी से ज़्यादा नशीन खान का आलिया कादरिया मुर्शिद नगर जमालुद्दीनपुर हजरत के हाथ से संग बुनियाद होनी है, इसमें तकरीर फरमाने के लिए मुफक्किर बिल्लत जामे माकुलात मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब नूरानी मदीनतुल अरबिया दोस्तपुर से तशरीफ ला रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप रात को जाना है इंशाल्लाह इस जलसे में शरीक होना है, शरीक हो एक आखिरी शेर मौला अली के हवाले से, एक बार मिलकर कहते या अली पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, अल्लाह की किताब में चर्चा अली का है, पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, अल्लाह की किताब में चर्चा अली का है, मुश्किल ने मुश्किलों से कहा लौट कर चलो देखो जवाब इसके वजीफा अली का है, मुश्किल ने मुश्किलों से कहा लौट कर चलो देखो जवाब पे इसके वजीफा अली का है, देखो जवाब पे इसके वजीफा अली का है,
सबको बता दिया ख्वाजा मईनुद्दीन में जलवा अली का है। अहले मिलाद अहले नजर को बता दिया ख्वाजा मईनुद्दीन में जलवा अली का है, जलवा अली का है। और हजरत ये तो बहुत सारे शायर हैं, लेकिन मुलतवी करके मैं शायर को आपके हवाले कर दूं। ख्वाजा मईनुद्दीन में जलवा अली का है, अब जाहिर से बात है वो बेटे अली के हैं इसलिए उनका जलवा पाया जाता है। अब मैं अदब और मोहब्बत के साथ जिसने बड़ी देर से मिंबर पर बैठ करके आपको सुना है, आपको समाज जनाब की मोहब्बतों को देखा है, अब आप हालात उसके साथ एक बेहतरीन बर्ताव पेश करें, इसलिए कि इसके बाद कोई नहीं होगा, बस सलातो सलाम होगा, हजरत की दुआ होगी और आप कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ हम अपने घर जाएंगे। लिहाजा मैं उस दानिश्वर शायर को पेश कर रहा हूँ जिसने तकरीबन मैं जहाँ पे आपको बता दूँ कि वो बालिग भी नहीं हुआ था तब से नबी के नाम पढ़ रहा था, समझ गए? हाँ ये हकीकत बात है कि उसकी आवाज की तब्दीलियों ने कभी उसे जो है मुजमहिल नहीं होने दिया, आज तक वो नबी की नात पढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मोहतरम सैफ रजा साहब के आखिरी वक्त तक नबी की नात पढ़ते रहेंगे। आइए शायरे मुल्क हिंदुस्तान वासिफ शाह हुदा भाई मोहतरम सैफ रजा कारपुरी वाहिदी का इस्तेमाल करें, नारे लगा करके आप हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, आप में से कोई नारा लगाना चाहता है तो मुकम्मल इजाजत है, खड़े होकर के इस्तेमाल करें। माशाल्लाह वो दाना हो के भी दाना नहीं है जिसने तुझको पहचाना नहीं है, जुबैदा अब कहाँ जन्नत खरीदे कोई बहलोल सताना नहीं है। मैं बहुत दिनों के बाद कई सालों के बाद आपके इस इलाके में हाजिर कशन हासिल हुआ। माशाल्लाह मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हाजी शालिब साहब जिन्होंने मुझे और तमामी लोगों को दावत दी थी, पूरी कम्युनिटी जिसने बहुत ही मेहनत से लगन से इश्क में हुजूर की महफिल को सजाया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबका यहाँ पर आना कबूल हो। रात के दो बज चुके हैं, नातों भी सुनी, तकरीरें भी सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छे नसीहत कर रहे हैं मोहतरम साजिद रजा साहब को। सलाम भी सुनेंगे, सुनेंगे भी और पढ़ेंगे। हमें रमजा भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, हमारे हजरत बयान माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अलग ही माहौल बनाते हैं। तो मालूम नहीं था कि आप रात के इस हिस्से में भी इतना अच्छा सोच सकते, इतना अच्छा आपने उनको सुना और उन्होंने उससे अच्छा पढ़ा रहे। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। तकरीबन एक घंटा इन्होंने पढ़ा है और आपने एक घंटे तक लगातार इनको सुना और बहुत अच्छी तरह सुना है।
मैं एक घंटा तो नहीं बस 15 मिनट पढ़ूंगा और ज्यादा तो कहां की है रे हमारी चार है वो आपका सुनने का तरीका बता देगा कितनी देर से पढ़ना है वो आपका सुनने का तरीका बता देगा कितनी देर से पढ़ना है और मैं तो इसे तक पढ़ता हूँ साजिद भाई ने कहा कि बचपन से मैं बैठ पकड़ता गाने और इस यकीन से हमेशा नाद पढ़ता हूँ कि कोई सुने ना सुने लेकिन लेकिन सरकारी आला फरमाते हैं सबसे औला वो आला सबसे बाला वो बाला हल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला सब चमक वाले उजलों में चमका अंधे शीशों में चमका अंधे शीशों में चमका कौन देता है देने को देने वाला है सच्चा इसका नबी जिसपे बाबा तक
बैठे हैं एक जगह पर देखे हैं I'm
Thank you.